हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, जो आपके यूपीआरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है ग्लूकोमीटर, बी ऑप्शन है साइन वेव इन्वर्टर, सी ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर और डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। तो इसमें चार पॉइंट दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए, चारों ही महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो पर सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो रक्त दाब मापन में जो प्रयुक्त यंत्र होता है उसे स्फिग्मोमीटर कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब मापन के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी बात करें तो धमनियों में रुधिर का प्रवेश निलय के आकुंचन के कारण होता है, ठीक है। इस प्रकार रुधिर का जो दबाव धमनियों पर पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं, ठीक है। रक्तदाब किसे कहते हैं? जो धमनी होती है हमारी, उनमें रुधिर का प्रवेश जो होता है निलय में आकुंचन के कारण होता है, और इस प्रकार रुधिर का दबाव धमनियों पर पड़ता है इसे रक्तदाब कहते हैं। डी ऑप्शन आपका दिया गया है हाइग्रोमीटर का। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है? ये सापेक्षित आर्द्रता जो है इससे मापी जाती है। और इसमें ए ऑप्शन दिया है ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर से जो रक्त होता है हमारा, ब्लड होता है, उसमें उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को मापा जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं, यह सिद्धांत किस पर आधारित है? ए ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रकार परावर्तन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, आप सभी को पता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा होता है, आँखों मतलब देखने से पता चलता है कि ये प्रकाश है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोप का प्रयोग करता है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प या फ्लॉस्पर वुल कहलाता है? ए ऑप्शन है जिंक ब्रोमाइड, बी ऑप्शन है जिंक नाइट्रेट, सी ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, डी ऑप्शन है जिंक क्लोराइड। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड या ZNO यशद पुष्प या फ्लॉस्पर्स वूल कहलाता है। इसका निर्माण जिंक को हवा की उपस्थिति में तीव्र ज्वाला में जलाने पर होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक अंश कार्बन विद्यमान है? तो ये तो आप सभी को पता ही है, सबसे ज़्यादा काला चारकोल भी होता है, कोयला भी होता है, कोक भी होता है, काजल भी होता है, पर सबसे ज़्यादा अगर कोयला पूछ लिया जाए किसमें विद्यमान है कार्बन, तो वो आपका हो जाएगा काजल, ठीक है। कार्बन आवर्त सारणी के चौथे उपवर्ग का तत्व है, ये याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए कौन से उपवर्ग का है, तो चौथे उपवर्ग का तत्व है। उल्लेखनीय है कि कार्बन प्रकृति में मुक्त अनेक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। अब वायुमंडल में कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। प्रश्न में बताया गया है, पूछा गया है प्रश्न में कि कार्बन के अपर रूपों में काजल में सर्वाधिक 95% कार्बन पाया जाता है। इसका काला रंग जूते की पॉलिश तथा प्रिंटिंग स्याही बनाने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है समुद्री गाय, बी ऑप्शन है समुद्री घोड़ा, सी ऑप्शन है समुद्री सिंह। और इसमें से आपको ये बताना है कि ये तीनों
जो जीवधारी हैं वे स्तनधारी हैं या नहीं। तो ए ऑप्शन केवल एक सही है, या केवल एक और तीन सही है, दो और तीन सही है, या एक दो तीन तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। समुद्री गाय तथा समुद्री सिंह स्तनधारी होते हैं, जबकि समुद्री घोड़ा एक सागरीय मछली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? ए ऑप्शन है अंड, बी ऑप्शन है पोटिका, सी ऑप्शन है कार्पस लूटियम, डी ऑप्शन है गर्भाशय। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्ट्रोजन एस्ट्रोरॉयड होते हैं जो ग्रेफियन पुटिकाओं से निकलते हैं। ये यौवनावस्था में यौन लक्षणों जैसे गर्भाशय, योनि, अग्रीषण, स्तनों के विकास को प्रेरित करता है। इसके फलस्वरूप मादा की आवाज में मधुरता, स्वभाव में शालीनता आ जाती है, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से जनन क्षमता छीण हो जाती है, रजोनिवृत्ति का आवास होने लगता है तथा स्तन ढलने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में मार्टिनर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? ए ऑप्शन है बाढ़, बी ऑप्शन है आर्यों का आक्रमण, सी ऑप्शन है विदेशी व्यापार में ह्रास, डी ऑप्शन है नदियों के प्रवाह में परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जो है वो बाढ़ बताया गया है। इसका उल्लेख मार्शल तथा एस एर राव ने किया है, जबकि एस टी लैम्ब्रिक ने नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। जबकि कुछ विद्वानों ने शिल्प एवं उद्योग धंधों के उद्यापन जो उत्पादन थे उनको घटने के कारण विदेशी व्यापार में हुए ह्रास को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। जबकि बी गार्डन चाइल्ड मार्टिन व्हीलर स्टुअर्ट पिगट ने आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है। इसलिए अर्थों का आक्रमण ही इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? ए ऑप्शन है एक सांचा पद्धति, बी ऑप्शन है दो सांचा पद्धति, सी ऑप्शन है चिकोटी पद्धति, डी ऑप्शन जोड़कर। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप सभी ने बहुत ज़्यादा सुना ही है। यहाँ पर मूर्तियाँ मिली थी, नारी की मूर्तियाँ, नर्तकी की मूर्तियाँ। तो इसमें जो मूर्तियाँ थी वो किस पद्धति से बनाई गई थी? वो चिकोटी सभ्यता से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में नारी, पुरुष, पशु, पक्षियों की जो मूर्तियाँ व्यापक संख्या में मिली हैं, ये मूर्तियाँ बहुत ही मृण मूर्तियाँ हैं, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, और ये ठोस हैं। इनका निर्माण हाथ से एवं चिकोटी पद्धति से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते हैं? ए ऑप्शन है उत्तर कुरु, बी ऑप्शन है उत्तर मद्र, सी ऑप्शन है भोज, डी ऑप्शन है प्राच्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। प्राच्य पूर्व में है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा मतलब कि मगध, कलिंग, बंग आदि के जो राजा थे उनके साम्राज्य के लिए अभिषेक होता था और वे सम्राट कहलाते थे। दक्षिण दिशा में सातवत यादव राज्य है, वहाँ का शासन भोज है और उनके शासन को भोज कहा जाता था। पश्चिम दिशा में अगर चले जाएं तो वहाँ पर सौराष्ट्र, कच्छ, सौवीर आदि का शासन स्वराज्य, इनके शासक को स्वराष्ट्र कहते थे। उत्तर दिशा में हिमालय के क्षेत्र उत्तर कुरु, उत्तर मद्र आदि जो आते थे तो वहाँ पर वैराज्य प्रणाली है और वहाँ के शासक को विराट कहते थे। मध्य देश कुरु, पंचाल, कौशल आदि के राज्य को राजा कहा जाता था। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज, स्वराज्य, वैराज्य और राज्य, इन पांच प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख किया गया है। फिर सम्राट की बात करी जाए तो सम्राट कौन होते थे? तो सम्राट वे शासक थे जो वंशानुक्रम होते थे और अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य राज्यों का मूलोच्छेद करने को तत्पर रहते थे।
जरासंध आदि मगध सम्राट इसी प्रकार के सम्राट थे। ठीक है, तो ऐतरेय के बारे में बहुत कुछ बताया गया जो मैंने आपको बता दिया है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासन शासक ने प्रशासन में स्वयं घुसखोरी को प्रोत्साहित किया था। ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है जलालुद्दीन, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, डी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। फिरोज तुगलक जो थे इनके शासनकाल में व्यापक भ्रष्टाचार था। अफीक के अनुसार सुल्तान का वजीर खाने जहां मकबूल स्वयं ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, किंतु ऐसा वजीर भी भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ था। अफीक एक ऐसे घुड़सवार का जिक्र करता है जिसे सुल्तान ने अपने खजाने में से 1 टका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज किस्में अपने घोड़े के पास करवा सके। ठीक है, तो इस तरह की बातें मिलती हैं। तो स्वयं घुसखोरी को प्रोत्साहित किया था तो वो फिरोज तुगलक के इस समय बहुत भ्रष्टाचार था। अगला क्वेश्चन है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था। ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां, डी ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा किसका सही आंसर क्या होगा। नहीं बताना है तो मैं बता देती हूँ, इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। खुसरो जो है अकबर का पौत्र था और जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब कि बड़ा बेटा था जहांगीर का। अकबर की मृत्यु के पश्चात खुसरो की गद्दी पर बैठने का प्रयत्न किया गया, किंतु उसके मामा मानसिंह ने तथा ससुर मिर्जा अजीज कोका ने उसका साथ दिया, किंतु उसमें सफलता न मिलने पर 1 वर्ष बाद ही जहांगीर के विरुद्ध खुसरो ने विद्रोह कर दिया। 1606 में इसने अमृत के सिख गुरु अर्जुन देव के आशीर्वाद प्राप्त किया, जिस पर जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो ये था खुसरो का इतिहास, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किसने किया था। ए ऑप्शन है अलवरूनी, बी ऑप्शन है फौजी, सी ऑप्शन है नामदेव, डी ऑप्शन है दारा सिको। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद जो है दारा सिको ने किया था। दारा सिको ने अन्य ग्रंथों जैसे कि यथा भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद स्वयं अपनी देखरेख में करवाया था। दारा ने स्वयं तथा काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर्द ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद कराया था। तो ये बात याद रखिएगा, सिर ए अकबर के नाम से इसने दारा सिको ने सिर ए अकबर, तो इस नाम से इसने अकबर ने क्या किया था, सॉरी दारा सिको ने फारसी में अनुवाद कराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, सी ऑप्शन है अंबिका चरण मजूमदार, डी ऑप्शन है सरदार पटेल। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम कहलाते हैं। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहे थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में लंबे समय तक महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगाम कर्नाटक में अधिवेशन में, जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में कराची अधिवेशन सॉरी लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और सरदार पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है।
ए ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है चित्तरंजन दास, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वदेशी एवं असहयोग आंदोलन में बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस कृत्य को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी जबकि गांधी जी ने इसे सर्वोत्तम उपाय बताया था। सुभाष चंद्र बोस एवं चित्तरंजन दास भी विदेशी कपड़ों के जलाए जाने पर गांधी के विचार के पक्ष में थे। रविन्द्रनाथ टैगोर पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है और आज की पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? ए ऑप्शन है जोसेफ बैटिस्टा, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है एसी कोलकर और डी ऑप्शन है बीजी तिलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन जोसेफ बैपटेस्टा। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। इस लीग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट थे। स्वराज की प्राप्ति के लिए तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलग्राम में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैपटिस्टा थे। इन्हें काका की उपाधि भी दी गई थी। इन्हें 1925 में मुंबई का मेयर चुना गया था और होम रूल अर्थात स्वशासन अर्थात आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, इसके प्रणेता आयरिश नेता रेडमॉन्ड थे और उन्होंने आयरलैंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो होम रूल लीग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई 1916 में, किन्होंने की, बाल गंगा तिलक और एनी बेसेंट ने कब की, 28 अप्रैल 1916 को प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैपटिस्टा और होम रूल का मतलब क्या होता है, स्वशासन, इसे लिया कहाँ से गया है, तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड में जो नेता थे उनका नाम क्या था, तो वे रेडमॉन्ड थे और उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूरे होते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपके कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का दिन शुभ हो।